आप लोगों ने अगर ठान लिया इस साल आईफोन लेने का तो जुगाड़ करके रख लो कार्ड्स का, कुछ और मत समझना। अरे कहना क्या चाहते हो? क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा सेल अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे आने वाला है। सबको पता है आईफोन खरीदने का सबसे गोल्डन मौका है, अगर इसको खो दिया तो ये साल में दोबारा नहीं मिलने वाला है। जीती बात नो बकवास, अगर प्लान कर रहे हो आईफोन 12 लेने का तो इस सीरीज के कोई भी आईफोन लेने में समझदारी नहीं है, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट आपको 64 GB का मिल जाता है जो आज के टाइम में सफिशिएंट नहीं है, और इसमें डिस्प्ले मिल जाता है 60Hz का जो कि आजकल के बजट रेंज के फोन भी 120Hz 144Hz तक दे रहे हैं। उसके बाद आता है आईफोन 13 जिसका कैमरा बैटरी एंड परफॉर्मेंस बेटर मिलेगा इन कम्पेयर विद आईफोन 11 एंड 12। जनरली इसका प्राइस 50,000 तक रहता है और इसका बेस वेरिएंट भी 128GB से स्टार्ट होता है और ये आपको सेल में अराउंड 37,000-38,000 का मिल जाएगा आफ्टर कार्ड डिस्काउंट। मेरे अकॉर्डिंग तो कोई भी आईफोन अगर आपको लेना है तो आप कार्ड डिस्काउंट के साथ ही लीजिएगा, विदाउट कार्ड डिस्काउंट कुछ भी मत लीजिएगा आईफोन में। सबसे बेस्ट टाइम है डिस्काउंट अवेल करने का तो इसको क्यों छोड़ना। और इसके बाद आता है आईफोन 14 जो कि आईफोन 13 एंड 14 सिमिलर ही कह सकते हैं, बस 14 में आपको फ्रंट में ऑटो फोकस मिल जाता है और सिनेमेटिक मोड में अप टू 4K तक आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो कि प्रैक्टिकली सबके लाइफ में वो काम नहीं आता है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको 13 के साथ ही जाना चाहिए। रिव्यू के प्राइस का बात करें तो जनरली 57-58,000 में मिलता है, बट सेल में आपको ये 43-44 के राउंड में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, आईफोन 14 प्लस में आपको कुछ मेजर अपग्रेड्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि बैटरी से 1000mAh ज्यादा मिल जाएगा और भी कुछ है जो इससे ज्यादा अपग्रेडेड है। अगर बजट का इशू नहीं है तो आप आईफोन 14 प्लस यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस जनरली 59-60,000 के अराउंड रहता है और सेल में आपको 49-50 में मिल जाएगा। जैसे कि टाटा अब आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले हैं तो आपको प्रो सीरीज में भी डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। अब ये कितना सच है कितना झूठ ये तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी है थोड़ा ऑफर मिलने का। जहां आईफोन 14 प्रो आपको 1,20,000 के अराउंड मिलता है, वो आपको सेल में 75-80K तक में भी मिल सकता है, और 14 प्रो मैक्स जो कि जनरली 1,28,000 में मिलता है, वो आपको सेल में 90,000-1,00,000 के अराउंड मिल सकता है। इस प्रो सीरीज में एग्जैक्टली डिस्काउंट मिलेगा या नहीं इसका तो अभी कंफर्मेशन नहीं है, बस ये लीक्स है, बट अगर इसमें ऑफर्स आता है तो डेफिनेटली अगर आपके पास पैसा है तो आपको प्रोसेस लेना है, बिकॉज इससे बेटर डील आपको नहीं मिल सकता है। तो अब आ जाते हैं मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन सीरीज आईफोन 15 सीरीज पे। इस बार आपको आईफोन 15 48,000 के राउंड में मिलने वाला है। काफी सारे लोग बोलेंगे कि भाई इस प्राइस पे आईफोन 14 प्लस क्यों ले, आईफोन 15 क्यों नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि ये 15 आपको 4-5 मिनट भी नहीं मिलने वाले हैं ऑर्डर करने का, ये कुछ सेकंड्स में इसका प्राइस बढ़ जाता है। आईफोन 15 प्लस जो जनरली आपको 73,000 के अराउंड मिलता है, वो इस बार आपको 58-60 के अराउंड मिल सकता है। अगर आपका इंटरनेट और लॉक दोनों सही है और आपने पहले से एड्रेस और कार डिटेल्स फिल करके रखा है तो आईफोन 15 आपका हो सकता है। और आईफोन 15 प्रो जो जनरली आपको 20-25,000 में मिलता है, वो आपको 1,05,000 के अराउंड में मिल सकता है। आईफोन 15 प्रो मैक्स जो जनरली आपको 1,40,000 का मिलता है, वो आपको 1,20,000 के अराउंड मिल जाएगा। तो आपको ये भी बता दूं कि आपको कौन से कार्ड्स आपके पास रखने हैं। फ्लिपकार्ट पे आपको ICICI कार्ड और एक्सिस कार्ड पे ऑफर्स मिलते हैं, अमेजोन का तो फिक्स ही है कि उसका SBI क्रेडिट कार्ड लगेगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन का बात करें तो ऑफर्स तो सारे ही आईफोन से मिलने वाले हैं, बट कमाल का डील है आपको आईफोन 15 और आईफोन 15 प्रो मैक्स से मिलने वाला है। तो अगर आप आईफोन 15 प्रो मैक्स लेने का सोच रहे हैं तो आई थिंक आपको थोड़ा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि 9 सितंबर को ही लॉन्च होने जा रहा है आईफोन 16 सीरीज, तो वो आपके लिए ज्यादा बेटर हो सकता है। उसमें काफी सारे मेजर अपग्रेड्स भी आए हैं, AI के साथ मिल जाते हैं और भी कुछ कुछ अपडेट्स हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। तो यही था आईफोन का प्राइसिंग, मिलते हैं किसी अगले और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।